हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस। टुडे वी विल गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 4.5। बच्चों कॉमन एरर्स की एक्सरसाइज है आप लोगों की। 4.4 तक बच्चों ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है। 4.4 में बच्चों टू पार्ट्स हैं। पार्ट्स वन में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 है। पार्ट टू में बच्चों 4, 5, 6 सॉल्व किए गए। बच्चों 1, 2, 3 आपके ऑलरेडी अपलोड किए गए। जिन जो बच्चे नए हैं अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जैसे कि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन बच्चों मिलता रहे। तो आइए बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। कॉमन एरर मीन्स एक बार आप लोग देख लेंगे। कॉमन एरर मीन्स ये होता है कि जब आपकी टू साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल नहीं होती, उसको हम लोग कॉमन एरर, कुछ मिस्टेक्स हो जाती है, एरर मीन्स मिस्टेक हो जाती हैं। आइए हम उसको सॉल्व करते हैं, उस एक्सरसाइज को। आइए देखते करेंगे कैसे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट आइए देखते हैं बच्चों। चलिए बच्चों ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर पढ़ दे रहा हूँ, ध्यान देंगे सब बच्चे। फाइंड एंड करेक्ट द एरर्स इन द फॉलोइंग मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स। चलिए बच्चों देखिए, क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं, आप लोग ये बताइए। देखिए इधर लिखा हुआ है 5x + x इक्वल नॉट इक्वल है किसके बच्चों, 5x2। क्यों है ये ध्यान देना आप लोगों को, क्यों है भाई। 5x और x आपका किसके इक्वल होता है बच्चों, 6x के होता है। बताइए होगा नहीं होगा, तो 6x आना चाहिए था। यहाँ क्या गिवन है, 5x2। ये आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया। आइए इसका बी पार्ट देखिए, x 5 + x 5x2 + 1 बच्चों, ठीक है ध्यान देना। आइए जरा देखिए ध्यान से, मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, x की 5x2 में कर देंगे। क्या ये दोनों इक्वल हैं आपस में, बताइए बताइए, बोलिए। कहेंगे सर बिल्कुल नहीं है इक्वल, है ना। अब है क्यों नहीं वो देखिए भाई, x है और 5x + 1 है, इक्वल किसके होगा ध्यान देना। x की 5x में मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, कितना होगा 5x2, और कितना हो जाएगा, ये आना चाहिए था, ये आना चाहिए, पर नहीं आया ना। आंसर भी आप लोग अपनी बुक से एक बार चेक कर सकते हैं, वैसे लगभग यही आंसर आएंगे, कोई ऐसी बात है नहीं, ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है ना। हाँ ठीक, सी पार्ट पे आइए बच्चों। 2a + 3b = 5ab बच्चों लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 5ab बच्चों। मैं ये कह रहा हूँ बच्चों आप लोगों से, क्या 2a + 3b ये 5ab होगा क्या, ये बताइए बच्चों, 5ab होगा क्या, कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, ये सबसे पहली बात ध्यान दीजिएगा बच्चों, होगा क्यों नहीं है, होगा क्यों नहीं, ये ध्यान देना है बच्चों। एक बात देखिए, क्या ये लाइक टर्म्स हैं क्या दोनों, यहाँ ए है यहाँ बी है, ये लाइक टर्म है क्या। अगर यहाँ ए होता तो 3 और 2 5 पे हो जाता, तो लिख देंगे बच्चों सीन्स ए एंड आर अनलाइक, आर अनलाइक बच्चों, अनलाइक। तो ये जो 2a + 3b है बच्चों, ये किसके इक्वल होगा, बस 2a + 3b के ही इक्वल होगा। तो ये आप लोगों को बच्चों ध्यान रखना है, ठीक है ठीक। ये हो गया आपका F पार्ट पे आइए बच्चों, D पार्ट में है 7y - 5। देखिए बच्चों ध्यान से समझना है सभी को बच्चों, ये देखिए जरा 7y - 5 बच्चों लिखा हुआ है, क्या ये इक्वल है इसके क्या, ये बताइए पहले मुझे। कहेंगे सर बिल्कुल नहीं होगा, रीजन देखिए बच्चों, 7y - 5 किसके इक्वल होगा, 7 की y में मल्टीप्लाई करिए, 7y माइनस का साइन 7 × 5 बच्चों, तो 7y - कितना हो जाएगा 35। ये आपका एरर आंसर ही है, ये आना चाहिए था, यहाँ पर ये आना चाहिए था परंतु नहीं दिया, तो ये आपका आंसर है। डी पार्ट आपका कंप्लीट हुआ बच्चों, आइए हम नेक्स्ट पार्ट और देखते हैं। ई एफ जो भी पार्ट आपके गिवन है जल्दी जल्दी से बच्चों। चलिए बच्चों देखिए ये वाले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आगे हम कौन से पार्ट में बच्चों, ई पार्ट देख लीजिए। आइए ई पार्ट में क्या लिखा, 5b + 2b + b लिखा हुआ, ये देखते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं पहले इसको। आइए क्या ये इक्वल है आपस में, देखिए 5b + 2b + b - 7b, क्या ये इक्वल है जीरो के, नहीं होगा, क्यों नहीं है ये देखना आप लोगों को। 5b + 2b + b - 7b बच्चों क्या हो जाएगा, देखिए 5 और 2 कितना हो गया 7b, 7 और 1 कितना हो जाएगा बच्चों 8b हो गया, कितना 8b - 7b, तो 8b में से 7b जाएगा, कितना आएगा b आएगा, यानी इस जीरो की जगह पर क्या आना चाहिए था बच्चों, बी आना चाहिए था। एफ पार्ट पे आ जाइए बच्चों, एफ पे आइए जरा, देखिए आगे मीन है, एफ पे कह रहा है बच्चों 5a + 6a, क्या ये इक्वल है 11a² के, नहीं होगा ना, क्यों नहीं ये ध्यान देना है। 5a + 6a बच्चों कितना होता है, 6 और 5 कितना होता है 11a, यानी यहाँ पर क्या आना चाहिए 11a आना चाहिए था, ठीक है बच्चों। कितने इजी क्वेश्चन है, देखिए जी पे आ जाइए बच्चों, क्या है बच्चों देखिए, ये a + 7a + 9a, क्या ये 16a के इक्वल है, कहेंगे सर नहीं होगा, ऐड करके देखिए भाई 9 और 1 10 और 17 आ गया, क्या होना चाहिए था,
एरर क्या रही इसमें ये देखना है, 901, 10 और 1, 10 और 17A, यानी कितना आना चाहिए था यहाँ पर 17A, ये एरर है। उसने कहा एरर क्या है और एरर बताना है आप लोगों को। यहाँ ये देखिए, ये कितना अच्छा क्वेश्चन आ गया, देखिए ध्यान से देखना ये वाला, एक्स स्क्वायर 4x 4 7, ठीक है। आइए यहाँ देखते हैं बच्चों क्या लिखा हुआ, एक्स का स्क्वायर प्लस का 4x माइनस 7। बच्चों ये क्या इसके इक्वल है क्या, चेक कर लीजिएगा, 4x 4 7 20, यानी 7 की जगह क्या आना चाहिए 28, नॉट इक्वल। अब हम लोग कैसे करेंगे देखिए बच्चों, एक्स का स्क्वायर 4x माइनस 7, ध्यान देना बच्चों, एक्स का स्क्वायर रहेगा प्लस का 4 x रहेगा, माइनस का साइन 4 x 7 रहेगा, क्या जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4x 7 4 20, ये आपका क्या आएगा बच्चों आंसर आएगा। एच पार्ट हो गए बच्चों, आइए नेक्स्ट पार्ट और देख लेंगे हम इसके, एक बार आंसर भी आपको रिचेक करा देते हैं हम लोग, आंसर भी चेक करा देते हैं, वरना जो आप लोगों को कमेंट की झड़ी लगती मुझे झेलने रहते हैं। 4.5 का बच्चों कौन सा पार्ट, ई पार्ट पाइए, देख लीजिए सब ध्यान से बच्चों, बी आंसर आ रहा है ना, एफ पे आ जाइए 11A आ गया ना, जी पे आइए 17A, यस एच पे आ जाइए बच्चों, एच पार्ट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 28, यस राइट आंसर। आइए आई पार्ट और जे पार्ट और मैं करा देता हूँ आपको, इसमें होमवर्क नहीं देता हूँ क्योंकि आप लोग फिर कहेंगे सर होमवर्क बहुत दे देते हो आप सब। तो जो भी बच्चे नए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, आप लोग मैथ के क्विज में बच्चों पार्टिसिपेट किया कीजिएगा, कम्युनिटी टैब पर जाना है चैनल के और वहां पर आपको सब मैथ की क्विज मिल जाएंगी, थोड़ा नीचे जाएंगे तो, ठीक है, और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन और आइए हम देख लेते हैं जरा क्या क्या गिविन है भाई, ये आई पार्ट है और जे पार्ट है। आई पार्ट क्या कह रहा है, 2p + 5 का होल स्क्वायर, 2p स्क्वायर कह रहा है, यहाँ पर 10p कह रहा है और यहाँ पर क्या कह रहा है 25 कह रहा है। जे पार्ट में क्या कह रहा है भाई, 3x का होल स्क्वायर है, इसका एक्स स्क्वायर है, चलिए बच्चों आइए देखें, देखते हैं इसको, देखें यहाँ पर ये लिखा बच्चों क्या ये इसके इक्वल है, 2p + 5 का जो है क्या ये इक्वल है, नहीं है ना। देखिए मैं ऐसे बता दूँ, 2 × 2 = 4 होता है, जब होल स्क्वायर खोलेंगे तो 4p² आएगा, यहाँ क्या 2p² लिखा तो ये 9 आ जाएगा, नॉट इक्वल है। अब आएगा क्या, आना क्या था वो देखेंगे सब बच्चे, है ना, 2p + 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता फॉर्मूला, a का स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, 2a और यहाँ पर b और प्लस में b का स्क्वायर, बच्चों कितना आएगा 4p² 2 × 2 = 4 4 × 5 = 20p और 5 × 5 = 25, आपका क्या आएगा आंसर आना चाहिए था, नहीं आया। यहाँ देखिए 3 × 3 = 9x² बच्चों और 110x² होना चाहिए, ये क्या इक्वल है एक दूसरे के, बताइए जरा बताइए, नॉट इक्वल है 3x² + x² के और नॉट इक्वल है किसके बच्चों 4x², आना क्या चाहिए था वो भी आइए देख लेंगे हम सब बच्चे। ये कितना लिखा हुआ है 3x² + x² 3 × 3 = 9x² + x² कितना आएगा बच्चों 10x², ये जे पार्ट है बच्चों आप लोगों का, कितना आ गया 10x² बच्चों, क्लियर हो गया सभी बच्चों को, तो ये आप लोगों का क्या आ जाएगा आंसर आ गया। तो ये बात की बच्चों हमने एक्सरसाइज 4.5 की, चैप्टर नंबर 4 आपका कंप्लीट हुआ फैक्टराइजेशन बच्चों। नेक्स्ट चैप्टर जो आप लोगों का है बच्चों चैप्टर नंबर 5 है, लीनियर इक्वेशन होगा जहाँ तक लगता है मुझे, हाँ लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल से बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में 5.1 में हम बच्चों उसी एक्सरसाइज की बात करेंगे, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, घर में रहें, सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, फेस मास्क का यूज करें, सैनिटाइजर का यूज करें, हैंड वॉश करते रहें टाइम टू टाइम, और भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। जो बच्चे नए थे सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे जैसे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जितने भी आप लोगों को मैं होमवर्क में क्वेश्चन देता हूँ वो इसलिए दे रहा हूँ बच्चों कि जैसे आप लोग मुझे कमेंट करेंगे तो मुझे ये फील हो जाएगा आप लोग कितना सीखे मेरे पढ़ाने से, पॉजिटिव थिंकिंग आ जाती है। लाइक करते हैं तो मेरा उससे कोई फ़ायदा नहीं आ रहा, या मेरे घर कोई डॉलर सोलर नहीं आ रहे उससे, या मेरी कोई बॉडी नहीं बन रही उससे, मुझे पॉजिटिव थिंकिंग आती है कि हाँ आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गए। आप लोग जब कमेंट्स करते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा मुझे प्रसन्नता होती है कि आप लोगों को कमेंट्स जो आते हैं मैं पढ़ता हूँ, उन्हें बहुत अच्छा लगता है, रिप्लाई भी करता हूँ मैं आप लोगों के कमेंट्स की।
तो आप लोग ऐसी तिवारी क्लासेस के साथ जुड़े रहिए, अपने अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहें। तो आप लोगों से मैंने कल भी और भी वीडियो में आप लोगों ने देखा, अगर आप लोग पेड कोर्स लेना चाहते हैं 200 फीस है बच्चों, तो आप लोग ले सकते हैं फीस। ऑनलाइन क्लासेस शाम को 8 बजे से चलती है, 8 से 9 बजे बच्चों, क्योंकि उसके पहले के मेरे ऑफलाइन बैचेज रहते हैं, फिलहाल तो अभी बंद चल रहे हैं, फिर भी जो भी बैचेज हैं वो सब ऑनलाइन ही चल रहे हैं अभी। अपने ऐप पर जो हमारे इंस्टीट्यूट का ऐप है उस पर ऐप चल रहे हैं जितने भी हमारे ऑनलाइन क्लासेज हैं, तो इसलिए 8 बजे बच्चों ने टाइम दिया, तो 8 बजे आप लोगों की क्लास चल रही है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल एक्सरसाइज 5.1 की। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे बच्चों।